तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। यार माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। असल में घर चला गया था, थोड़ा सीन हो गया था। एक मिनट को मैं ऑफिस के उसमें हूँ, कैंपस में, थोड़ा यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ। हाँ जी, तो ये ऑफिस के गेट से बाहर निकलना थोड़ा ज़रूरी था। अभी माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों से मैं गायब हो गया था, अभी घर चला गया था जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं बना पाया। अभी मैं वापस आ गया हूँ नोएडा में। मेरे आसपास अब हरियाली ज़्यादा देखोगे। ये सामने मेट्रो है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वहाँ से जा रहा हूँ मैं घर की तरफ। आज वेडनेसडे भी है, तो आज बिग बाजार डे है, यानी मार्केट का दिन। मेरे घर के सामने मार्केट लगी होगी, परचेजिंग भी करेंगे और ये रास्ता भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये दिखाने लायक ही है। देखो भीड़ बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर वो वाले हैं जो अपने ऑफिस से निकल रहे हैं घर जाने के लिए। तो हम इधर से चलेंगे, कोई लपराई नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा माहौल, बिल्कुल सही रहता है इस समय पर, एकदम सही सा। देख रहे हो जैसे भीड़ रहती है ना, एकदम वैसी वाली। तो 6 बजते यहाँ भीड़ लग जाती है, क्योंकि ज़्यादातर कारखाने वगैरह जो है ना, उनमें इसी समय पे छुट्टियाँ होती है। और उसके अलावा कारखाने वगैरह के अलावा ऐसा क्या है, जो ऑफिसेज की टाइमिंग है वो भी ऐसी है, जैसे 10 से 6 के आसपास, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये है, और मेरे से 200 मीटर आगे एक चौराहा आएगा जहाँ से नोएडा स्टार्ट होता है। उससे राइट साइड अगर हम जाते हैं तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास ही वहाँ गाज़ियाबाद लग जाता है। और लेफ्ट साइड अगर जाएंगे तो, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है, तो हम लेफ्ट ही जाएंगे। और ये नोएडा में हूँ अभी मैं, तो सारी चीज़ें बहुत पास पास में पड़ेंगी। चलो जल्दी से दिखाते हैं, अभी जाम से पहले निकलना पड़ेगा मुझे यहाँ से। गाड़ी बीच में खड़ी करके गायब है। पार्किंग वार्किंग का भी बड़ा सीन होता है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अभी ठुकी हुई गाड़ी है, देख लो, रगड़ा मारी हुई एकदम पीछे से कहीं से। हमारे कार का भी सीन हो रखा है, जो सचिन की गाड़ी ना, वो भी कहीं ठुक रखी है, तो शोरूम में खड़ी है। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जाम यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है शाम के समय में। देख रहे हो ऑटो ऑटो पे भाई साहब, सब चीज़ मतलब सीन है। और ये पब्लिक रुकी हुई इसलिए ना, क्योंकि यहाँ बीच में एक यू टर्न बना दिया गया, उसके वजह से पब्लिक जो है काफ़ी स्लो चल रही है। कोई वैसा होता कि थोड़ा सा चौड़ा रास्ते वास्ते सब कुछ सही है, चौड़े चौड़े हैं, पर इस तरह से है ये, जैसे ये कार देख लो, तो अगर कुछ नहीं है तो ये है, बाकी वहाँ यू टर्न है, उसके वजह से सब स्लो चलते हैं यहाँ पर। कहीं भी कुछ भी, एक तो साला सीन ये है ना कि यहाँ पर कोई प्रॉपर स्टॉपेज का सीन नहीं है। जिसने, अगर कोई ऑटो वाला है, कोई टैक्सी वाला है, ये भी क्या करते हैं आपके, जैसे टैक्सी के इनको बुकिंग ले ली, जहाँ भी बंदे को ड्रॉप किया, अब वहाँ से अगर खाली निकल रहे हैं, या फिर ऑफिस वाले भेजे ना, जो बंदा है जैसे ऑफिस में उसको ड्रॉप किया, अब वहाँ से एक साइड में इनको खाली देना है, चाहे पिकअप हो या ड्रॉप हो। जैसे ये नॉर्मल टैक्सी वाले कहीं से किसी को रिसीव कर रहे हैं, किसी को छोड़ रहे, तो रास्ते में जो भी मिल जाता है, जहाँ मिल जाता है वहीं रोक करके बैठा लेते हैं। ये सामने मेरे जो जा रहा है ना, ये जा रहा है अंडरपास, और पीछे चला गया यू टर्न। ये अंडरपास अगर आप लेंगे तो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन वाली रोड, यानी सामने मेरे हाईवे NH24 जिस पर मैं चढ़ करके अभी जाऊँगा, तो उसके अपोजिट साइड उस तरफ चले जाएंगे। अब रोड पार करने के लिए यहाँ 20 से नहीं जा सकते हैं, आपको अंडरपास से ही जाना होगा, तब रोड के उस साइड पर आप पहुँचेंगे। और वो लगभग बहुत ज़्यादा लेन की रोड है यार, लेन तो एग्जैक्ट याद नहीं, पर बहुत चौड़ी चौड़ी। आप मेरे साइड अभी देख लेना, एक बीच वाली जो रोड है उसको क्या बोलते हैं, जिसमें से बीच से निकल नहीं सकते, एक्सप्रेसवे टाइप, एक वो है। और उसके अलावा आइसक्रीम खाएंगे। अच्छा, उसके अलावा क्या है, साइड में जैसे एक होता है ना, जहाँ से एग्जिट पॉइंट वगैरह होते हैं, तो उस वाले से मुझे भी जाना है, तो उधर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन हो सकता है। बढ़िया सा और आगे जाना पड़ेगा। अभी देखो ये वाला चौराहा, यहाँ पे मैंने फोटो भी पोस्ट करी है, नोएडा यहाँ पर लिखा हुआ बड़ा बड़ा, ये राइट साइड में जो फुहारा चल रहा है वहाँ पर। अभी हम चलते हैं लेफ्ट, बड़ा देखना भी पड़ता है यार, क्योंकि सिस्टम नहीं है कुछ बहुत बेहतरीन सा। सामने जो आप देख रहे हो उस साइड में ना, ये पड़ रहा है गाज़ियाबाद आपका, जैसे ये बिल्डिंग बड़ी वाली जो साया की बिल्डिंग राइट साइड में देख रहे हो ना, ये है आपका गाज़ियाबाद। और लेफ्ट में जो, जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ये है नोएडा और वो है गाज़ियाबाद। और ये रोड आगे पार करके जहाँ से मुझे टर्न लेना है लेफ्ट में, वो पड़ जाएगा दिल्ली। जैसे ये देख रहे हो आप, इंदिरापुरम और आनंद विहार तो कर रहे हैं, बीच में ही करना है, साइड में कर लो भैया, कर तो अच्छा काम रहे हो, पर साइड में करना चाहिए ये सारी चीज़ें, इनको खुद समझ आना चाहिए। मैं क्या बोलूँ, अंकल जी भी बीच में साइकिल चला रहे हैं यार, इन सब किनारे चलो भैया, किनारे चलो, हमें चलना है फिलहाल लेफ्ट में, तो हम इस अपनी लेन पकड़ते हैं। अगर मैं बीच में चला गया ना, तो बहुत लंबा मेरे को बीच में ही जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से मेरे को कोई एग्जिट नहीं मिलने वाला।
ठीक है ना, तो वो बहुत ध्यान रख करके चलना होता है। देखो एक रोड ये है जो इस तरफ जा रही है, दो रोड है, और उसके बगल वाली जो रोड है वहाँ से तो कहीं से तो आपको एग्जिट ही नहीं मिलेगा। तो मैं सबसे किनारे वाले में जा रहा हूँ, तो कुल मिला करके ना तीन रोड एक तरफ जा रही है, तीन एक तरफ जा रही है। ये टू लेन की है, तो आप तो बीच वाली जो ऊपर वाली है ये शायद फोर लेन की थी, और उसके बगल वाली जो सिक्स लेन की है, तो कह सकते हो 12-13 लेन एक ही साइड जा रहे होते हैं यहाँ पर अपने ज़रूरत के हिसाब से आवाज आ सकते हैं। यहाँ पे भी सीन देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे रौनक काफ़ी रहती है, तो आप ऐसी चीज़ें बहुत आम है यहाँ पर देखना। कोई अच्छा भी होगा, कोई ख़राब भी दिख जाएगा, हर तरह का दिखेगा आपको, हरियाली हरियाली वाला बढ़िया। बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रखी है। अभी मार्केट भी है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है मेरे, क्योंकि वहाँ ना बहुत सस्ता सामान वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। और मैं खैर ना एक बंदा हूँ, मेरे को क्या टमाटर खरीदने, आलू खरीदने और प्याज खरीदने, बाकी हरी सब्जी अगर कुछ खाना है, जैसे रोज़ तो बनाने का सीन होता नहीं, और जिस दिन खाना है उस दिन सामने से जाकर के ले लिया, खा पी के चौड़े हो गए सो गए, बस अकेली जान के लिए इतना ही काफ़ी है। Are you comedy me? अभी मैं जैसे इस रोड पे हूँ ना, तो इस रोड पे आगे ना आने वाला सीन बड़ा सेक्सी होने वाला है, बड़ा प्यारा सा, क्योंकि वहाँ तिरंगा तरह का कोई डिजाइन वगैरह बनाया गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो वो बड़ा सही है। बने रहो मेरे साथ और देखते रहो वीडियो पूरी, बहुत बढ़िया सीन है। ये जो मैं रोड पे चल रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं NH24। ये पीछे अगर मैं सीधा जाता हूँ ना तो देहरादून वगैरह जाता है मेरठ होते हुए, और इस तरफ जहाँ जाता हूँ ना तो NH24 थोड़ी दूर पे जाकर के खत्म हो जाएगा, लगभग 10 से 12 किलोमीटर अक्षरधाम होते हुए, और सरायकालेखा यानी दो रोड होगी, टी पॉइंट टाइप का होगा। तो लेफ्ट में जो रोड जाएगी वो जाएगी सरायकालेखा, और राइट में जो रोड जाएगी वो जाएगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, रेड फोर्ट, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन वगैरह। अच्छा, तो वो नई दिल्ली कह सकते हो पूरा आप राइट पे ही बनाए, जहाँ ये रोड ख़त्म होगी 10 से 12 किलोमीटर के आगे, और लेफ्ट साइड में निज़ामुद्दीन वगैरह, जैसे गुड़गांव जाना है तो आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। रास्ता दोनों तरफ से है पर ज़्यादातर लोग फिर लेफ्ट ही जाते हैं उस समय से, वही ज़्यादा सही रहता है, सूटेबल होता है। और यहाँ पे ना यार ये सीन ये है कि इस समय ना जो टाइम वाइम है ऐसा चल रहा है कि इस समय अगर आप रात में जैसे ऐसे घूमते हो, जैसे भाई ये बनियान पहन के अपना घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूमते हो ना हेलमेट वेलमेट लगा करके, बड़ा सही लगता है यार, बड़ा सही लगता है। लाइटिंग वाइटिंग इतनी प्यारी है ना, पहले मैं जिस तरफ रहता था वहाँ से सीधा चढ़ो नोएडा सेक्टर 18 जाने के लिए पुल पड़ता था, उस पुल पे चढ़ो और बड़ा सुहाना लगता था यार, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई चिक चिक नहीं, कोई पिक चिक नहीं, आराम से एक स्पीड मेंटेन करके आप जा सकते हो। ये वही वाली रोड जो मैंने बोला था कि अगर मैं ऊपर चढ़ जाऊँगा मेरे को निकलने का नहीं मिलेगा रास्ता, तो राइट साइड में देख सकते हो ऐसा पूरा जाल बंधा हुआ है, तो निकल नहीं सकते बिल्कुल भी। अभी हम आ गए हैं, ये लेफ्ट हैंड में है सैनिक विहार दिल्ली, सैनिक विहार की तरफ से भी कहीं से रास्ता है जो कि फेज 3 जाने के लिए हो सकता है मेरे, पर ना मेरे को वो पता है नहीं, और ट्रैफिक में बिल्कुल जाना नहीं है मुझे, ट्रैफिक से बचने के लिए तो मैं इस तरफ आया हूँ। तो थोड़ा बाहर होते हुए मुर्गा मंडी के पास से एक जगह है, मुर्गा मंडी, उधर से होते हुए हम पहुँच जाएंगे अपने अड्डे पर। यहाँ से ये व्यू देखो शुरू है, बड़ा प्यारा सा सजा रखा है इन लोगों ने, और ये हमेशा के लिए 12 महीने का, कोई ऐसा नहीं कि आज सजा हुआ है किसी की किसी टाइम पर निकल जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त ऑलरेडी इतना पीछे चला गया, निकलना होता तो निकल जाता। ये क्या है, बहुत लंबे समय तक ये सजा रहता है, बहुत लंबे समय तक, बहुत प्यारा लगता है। एक तो सीन भी यहाँ बहुत होते हैं यार, जरा सा आप चूके नहीं कि आपके साथ यहाँ पे गाड़ी ठुकेगी या कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, सब अपने टशन में रहते हैं भाई, सब अपने टशन में, कोई किसी से कम नहीं यहाँ पे, सब बड़ा देख करके काम करना पड़ता है। गाड़ी बीच में रुकी है, बंद पड़ गई है, बहुत सीन होता है भाई साहब यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे थोड़ा मार्केट का सीन लगने लगा है, क्योंकि यहाँ हर मोहल्ले की ना अपनी अलग मार्केट है, और मार्केट आप ऐसा समझो कि वहाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगी, हर चीज़ का मतलब हर चीज़, वैसे गाड़ियों वाड़ियों खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी वाड़ी खरीदने लगो, पर एक जो होती है ना शहर की अच्छी मार्केट, जहाँ कपड़े भी मिले, खाने पीने की चीज़ें भी मिलें, खाना भी मिले आपको, और जैसे हमारे आपके शहर में एक चौक है होता है, एक मेन एरिया होता है सिविल लाइन जिसको बोलते हैं, सब जगह अलग अलग एरिया बोलते हैं, यहाँ पर तो चौक का मतलब होता है एक चौराहा, पर हमारे यहाँ इलाहाबाद में बोलते हैं चौराहा, ठीक है, तो वैसा सारी चीज़ें। ये बड़ा सुंदर सा व्यू है यहाँ का, बड़ा प्यारा सा। अब मैं संडे को एक प्लान करूँगा निकलने का, सुबह से निकलेंगे शाम तक वापसी का, और बढ़िया सा कहीं से जा करके होके आएंगे। बहुत सारा सीन दिखाना है, बहुत सारा, क्योंकि ये पूरा रोड ही अपने आप में ऐसा है ना कि आप देखते ही जाओगे यार, बड़ा सही है। देख रहे हो कितनी चौड़ी रोड है, एक साइड की पूरी एक की एक, और बीच वाली जो है ना, बीच वाली तो अभी अलग ही जा रही है, राइट साइड में जा रही है, उसमें कोई एग्जिट नहीं किसी का, वहाँ पे जा सकते हो। जो इधर वाली ये वाली रोड है वो उसमें कोई एग्जिट नहीं, अब यहाँ से एंटर हो गए तो जहाँ तक अब रोड ख़त्म नहीं होनी वहाँ तक आप निकल नहीं सकते, ठीक है, तो आप बिल्कुल मेंटेन होकर के जाएँ। लगभग 10 से 12 किलोमीटर अभी होगी ये वाली रोड। ये अब मैं आ गया हूँ अपने उस जगह के पास, पहुँच रहा हूँ जहाँ से मुझे अंदर की तरफ मुड़ना है, क्योंकि वहाँ से ना वो कूड़े का जो पहाड़ है वो ही देखने लग जाएगा। बड़ा सही सीन है यार यहाँ पे, यहाँ की जो महक है ना ये अलग ही आएगी। यहाँ पर नहर वगैरह भी है पीछे मेरे,
एक थी ऑटो वाले समझ में नहीं आता, साले जो बीच में भी चलाएंगे और इनको स्लो भी चलना है, चूतिया लोगों को लटका लटका के बिठा भी रखा है। कोई समझाओ भाई यार, मेरे हाथ में अगर हम पुलिस वुलिस में होते ना तो अगर पेट्रोलिंग में मेरे सामने दिख जाते थे इनको बड़ी मार मारते ऐसे करके। ये लटका के एकदम बिठाओ, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव उनका भी एक्सीडेंट हुआ है इसी चक्कर में। चल भैया निकल जा। ये है नोएडा मयूर विहार अक्षरधाम, तो नोएडा के लिए भी लेफ्ट, मयूर विहार के लिए भी लेफ्ट, और अक्षरधाम के लिए आप सीधा जा सकते हैं या फिर इस रोड से भी या फिर वो बगल वाली रोड से भी जा सकते हैं। तो मेरे को तो इधर जाना है इसलिए मुझे इधर आना था। ये सबसे सही चीज़ मालूम क्या होती है, यहाँ सड़कें वड़कें सब एक नंबर, ठीक है, एकदम आराम से भगाते चले जाओ गाड़ी। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो किसी ने तो बन गया, क्योंकि मैं जब आया था उस समय तो पता ही चिटल रही है, मत ही पूछो, एकदम आने का मन नहीं करता, ऐसा लगता था कोई ऐसा रास्ता हो जिसकी वजह से उड़ के चले जाए, कुछ करके चले जाए, पर इधर आना ना। ये सारी चीज़ मेरे सामने ही डेवलप हुई है, तो देखने वेखने में सब कुछ ठीक लगता है बिल्कुल, इतना कोई चक्कर नहीं है। कॉमर्शियल गाड़ी ये जो आप देख रहे हो ना पुलिस वाले, ये हैं भाई साहब, कोई कौन सी स्पीड में आ रहा है क्या आ रहा है मतलब नहीं है, घुसड़ना है, सब चीज़ करनी है बस इनको। ये जो टोल आपने देखा ना बीच बीच में जो यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई थी, ये कॉमर्शियल गाड़ियाँ जो चलती हैं सिटी से बाहर के लिए, क्योंकि जगह जगह पे यहाँ पे ज़रा सा आप चल रहे हो दिल्ली आ जा रहे हो, ज़रा चल रहे हो नोएडा जा रहे हो, ज़रा चल रहे हो कहीं आप गाज़ियाबाद चले जा रहे हो। तो ये जिधर मैं मुड़ गया ना इधर, अभी ये दिल्ली के हिस्से में आ गया हूँ मैं, ठीक है ना। अभी तक मैं उसमें था, वो नोएडा था, वहाँ नोएडा आपको एरो ज़रूर दिख रहा होगा, पर वो नोएडा में ही था वो पूरा हिस्सा जो पुल वाला हिस्सा था। तो अब दिल्ली है ये, अब नोएडा लगेगा इसके 2-3 किलोमीटर के पार, 2 किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर के आसपास उस पार आपका नोएडा लगेगा। ये जो लोकेशन है ये मुर्गा मंडी है, बहुत बुरा बास मारता है यहाँ पे, और बस यहाँ आने आके तो वैसे लग रहा है निकल लो, कितनी जल्दी निकल लो, जब भाग जाओ, इतनी तेज़ गाड़ी कितनी रफ्तार चला कर, अरे देखो एकदम सब एकदम ठीक रहता है यहाँ पे मामला, ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला सब ठीक ठाक ही है। और अब आशिकी भी कर सकते हो अच्छे से यहाँ पे आराम से आकर के, एक्सीडेंट के लिए भी। हाँ यार, अभी घर में घर गया था ना, लोगों को वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, काफ़ी शॉर्ट्स वगैरह बनाए मैंने, थोड़ी बड़ी वीडियो भी बनाई तो काफ़ी अच्छी लगी, तो लोगों ने बोला कि एक्सीडेंट जो है ना आप अपना ही वाला रखो, काफ़ी अच्छा चलता है उसमें और लोग सुनते भी हैं आपकी बातें, तो सुन के तो बहुत अच्छा लगा, तो कोशिश वही करेंगे। अब जो मैं आ गया हूँ अपने एरिया में, अब आपको बाज़ार का जो नज़ारा है वो दिखने लग जाएगा थोड़ी ही देर में, जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण थोक कागज़ विक्रय केंद्र गाजीपुर। तो ये पूरा जैसे ही रोड छोड़ी है ना मैंने मेन हाईवे, तो ये पूरा दिल्ली में ही आ गया हूँ। वेडनेसडे है तो मार्केट भी ये पूरी एकदम, टाइम कितना हो रहा है अभी, टाइम हो रहा है अभी आप देखो 8:08, मार्केट तो एकदम चरम पे होगी। थोड़ा सामान लेना है, अंजलि के लिए एक ग्लास लेना है, जो कि कैप वाला मैंने लिया था, उसको पसंद आया था तो वो लेना है उसके लिए, चलते हैं। ये ऐसी जगह ना, यहाँ पर क्या है ना कि वैसे टाइप के लोग थोड़ा रहते हैं जो इनका अपना घर ठिकाना नहीं होता है, तो यहाँ रहते रहते कॉलोनी टाइप का दिख रहा है, पर ये शायद जैसे एक सब्ज़ी मंडी वगैरह कोई इलाका नहीं होता, जो मेन सब्ज़ी मंडी वगैरह होती है वैसे कुछ जगह है ये, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं कि है क्या ये, पर कुछ वैसा ही है जिस रोड पर अभी मैं चल रहा हूँ। अब अगले मोड़ से मेरे को राइड लेना है, उसके बाद ही आपको तुरंत नज़ारा मिल जाएगा वो मार्केट वाला, और मार्केट भरपूर एकदम चरम पे दिखेगी, देखना कितनी मुश्किलों से मैं वो घर पहुँचता हूँ, वहाँ से आप देखते रहना बस। उसी के लिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया, वरना कल से मेरे को ऑफिस एकदम टाइम से जाना है। तो साइड बाय साइड आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, इसी तरह से प्यार बना रहे, मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा, जो आपकी नॉलेज की चीज़ें होंगी अभी जो भी आप देखना चाहते हैं मेरे को सजेस्ट ज़रूर करें, मैं वो कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ये है मार्केट, वेडनेसडे मार्केट इसको बोलते हैं, बुद्ध बाज़ार जिसको हिंदी में बोलते हैं। गाड़ी वाले आगे तो ये रिक्शे वाले यार कहीं भी घुसेड़ देते हैं गाड़ी, इनसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो भैया बढ़ाओ, सब ऐसे ही लेंगे, गाड़ियों से भी सामान खरीदने आ रहे हैं, नॉर्मल पे भी सामान खरीदने आ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल पे आएंगे। आज बाज़ार थोड़ा ठंडा सा लग रहा है, क्योंकि इतनी आराम से हम गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई थी इसकी वजह से, वरना जो है भीड़ बहुत रहती है। अभी तो मेन एरिया में चल रहे हैं थोड़ा आगे, ये क्योंकि अभी बाज़ार शुरू हुई ना, तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूँ, और जहाँ पर रहता हूँ ना वहाँ वो एकदम सेंटर बाज़ार में रहता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखते जाओ अभी भीड़ बढ़ती चली जाएगी, सब चीज़ ले, सब्जियों की दुकान, मसालों की दुकान, हर चीज़ जो घर का आपका आइटम होता है ना, हर वो चीज़ यहाँ पर मिलेगा, हर चीज़। और सबसे अच्छी चीज़ की रेट भी बड़ा सही मिल जाता है, नहीं तो लोग तब तक साइड नहीं हटेंगे जब तक उनके सर पे आके हॉर्न ना बजाओ, तब भी 4 बार बजाओगे ना तब उनका दिमाग आपके तरफ तो ध्यान जाएगा नहीं बिल्कुल, जो सामान लेना है नज़र उसी पे खड़ी रहेगी, पर पता नहीं कैसे एहसान एहसान कर देते हैं साइड हट करके, वरना हटेंगे ना उनका बस चले तो।
चढ़ के आपके ऊपर चढ़ के निकल जाएंगे चलती गाड़ी के ऊपर, पर वो हटेंगे नहीं, ना आपको ध्यान देंगे, रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे। ये रिक्शा गलत लेके आया है रिक्शा वाला, देखो इसको लाना नहीं चाहिए था, जब पता है चूतिया को मार्केट है आज। आगे कार भी है, यहाँ रिक्शा भी है। खरीदारी कर रहे हैं, रिक्शा लेकर के आए हुए हैं सब बीच मार्केट में, जब पता है लोगों को कि बिल्कुल निकलने की जगह नहीं है, किसी तरह से अगर फोर व्हीलर लेके आ गए ना तो फंसे रह जाओगे इसके अंदर। हर तरह की दुकानें, हर चीज़, कुशन वगैरह, कपड़े वगैरह, सब चीज़, पर्स, लेडीज़ के लिए तो पूछो मत, सब कुछ है, ये सब कुछ है यहाँ पर। और मेरे को भी काफ़ी चीज़ें लेनी है, तो जैसे ये है स्प्रे वगैरह के लिए बॉटल है, सब कुछ। तो जल्दी से अभी आके देख दो, क्योंकि मेरे को अभी गिलास लेना है वो अंजलि के लिए, और उसके अलावा चाहिए एक मैट जिसपे ताकि बर्तन रखे ना, तो बर्तन भी डायरेक्ट ज़मीन से टच होता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। साथ में एक गाड़ी वाली की वजह से अब देखो रुकना पड़ रहा है फालतू, अंदर की ही कहीं की गाड़ी होगी तभी इधर लेके आया, वरना कोई नहीं लाता इधर, सब बचना चाहते कि इधर ना आना पड़े हमें। अरे यार मेरी वाली कौन सी है, इनके चक्कर में सोसाइटी भूल गए हम तो, इतना ज़्यादा बाजार लगा रखा है। इधर ही चलेंगे, यही है। बहुत भीड़ है, बस कोई तरह से निकल जा, रुक जा भाई, देखते हुए भी चला जा रहा है। चलो रास्ता तो सही लिया है, वरना कुछ समझ में, दुकान इतनी भयानक लगा रखी है लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये देखो ये दिल्ली का हिस्सा है, अभी दिल्ली शुरू करी मैंने, यहाँ पे जो है गड्ढा गुड्ढा मिलने लगा। हालांकि ज़्यादातर सड़कें सही हैं, पर कुछ सड़कें हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार हो रखी, एकदम चौपट हो रखी है। पानी इतने ज़्यादा भर जाते हैं ना, देख रहे हो, ज्वेलरी वेलरी सारी चीज़ें, सब चीज़, बड़ी दुकानें, सब। रास्ता एक सेकंड के लिए कन्फ्यूज़ हो गया था, मैं अंदर चलेंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे, उसके बाद मैं आऊँगा फ्रेश व्रेश होने के बाद, थोड़ा सामान जो मुझे लेना है उसके लिए। चलो ये आ गया, हाय गाइस, चल रहा है मैं कैसे ऐसे लिख दूँ, पढ़ लेना ठीक है, सब प्यार में लिख दे रहा हूँ ताकि फाइंड करने में ना आसानी रहे, ठीक है। थैंक यू। अरे करना है